देवदार के ट्री होते हैं, तो वहाँ पे जैसे लाइक जंगली जानवर भालू वगैरह काफ़ी रहते हैं यहाँ पे, और तेंदुआ वगैरह भी। और वो रात को यानी नीचे पानी वगैरह और खाने के लिए नीचे यानी जहाँ पे घर वगैरह होते हैं उसके नियर अबाउट आ जाते हैं वो रात के टाइम, और मॉर्निंग के टाइम वो वापस जाते हैं। तो आग वगैरह काफ़ी ज़रूरी होती है जलाना ऐसे में सर्वाइव करने के लिए आपको। वो हम किसी ट्रैक पे जाते हैं एज ए गाइड, और हमारे आगे ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है तो हम किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो जिस पर्पज से हमको ये सर्वाइवल नाइट मिली आज एकदम सरप्राइज। यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं रात को, और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आज रात को हम यहीं पे स्टे करेंगे, और काफी ध्यान से चलो भाई। और हमारे मनोज भाई गिर चुके हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, और यहाँ पे हमारा चलो चलो बेटा चलो। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे पानी, यानी कि कितनी ज़्यादा रात को ठंड होगी आप खुद ही समझ सकते हो। और लड़के ये आगे के आगे कहाँ भागे जा रहे हैं हमारे माउंटेनियर। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बना रहे हैं आग जलाने के लिए जगह और लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं सर्वाइवल नाइट। ले पत्थर रखे थे गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पर आग जल चुकी है, और आज की हमारी सर्वाइवल नाइट एकदम सरप्राइज हो गई थी जब हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें अचानक से कहा एक मैट्रिक्स और स्लीपिंग बैग के साथ आज आपको रात बाहर निकालनी होगी। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमारी टीम ने जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आग उसका जो जला लिया है ऊपर देख सकते हो, तो ये हमें ठंड से बचाएगी और जंगली जानवरों से भी बचाएगी। और जंगली जानवरों से भी ये जंगल में है, और यहाँ पे जंगली जानवर काफी होते हैं मैक्लोडगंज, बिकॉज यहाँ पे ठंड भी काफी रहती है, तो उस करके यहाँ इस एरियाज में काफी जंगली जानवर भी होते हैं। तो वही हमारा यानी सर्वाइवल टेस्ट हो रहा है कि कैसे हम सर्वाइव, अगर कल को हम किसी ट्रैक पे जाते हैं एज ए गाइड और हमारे आगे ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है तो हम किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो दिस पर्पज से हमको ये सर्वाइवल नाइट मिली आज एकदम सरप्राइज। लकड़ी
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने मनोज भाई क्या कर रहे हैं इस टाइम। भाई कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे को तो यहाँ पर बहुत ठंड फील हो रही है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एकदम से हमको इंस्पेक्टर ने बताया कि आपका सर्वाइवल टास्क है जिसको कंप्लीट करने के लिए हम आए हैं, तो कुछ अपनी टीम आग सेक रही है और मैं यहाँ पे जरा फोन चला रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे स्लीपिंग बैग और मैट्रेस है और छत के ऊपर हमारे कुछ भी नहीं है। और अभी टेम्परेचर भी 7 से 8 डिग्री तक रात को यहाँ पे माइन जाएगा ही, क्योंकि मैक्लोडगंज में ठंड काफ़ी होती है। और अभी मंथ भी ये नवंबर चला है और नवंबर मंथ में, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई लोग अपने मैट्रेस वगैरह स्लीपिंग बैग वगैरह सोने का इंतजाम कर रहे हैं। इस साइड कौन सोया हुआ? सीनियर सोते हैं यहाँ पे। हमारे सीनियर जी सो चुके हैं और मुंडी अंदर स्लीपिंग बैग में पेड़ के नीचे, देख सकते हो आप। और धुआं काफ़ी आ रहा है, आग जलाई हुई है हमने तो। इस साइड अपने भाई लोग आग सेक रहे हैं। सर्वाइवल नाइट काफ़ी अच्छी चली हुई है सबकी। यार आप देख सकते हो यहाँ पे अपने कुछ माउंटेनियर्स सोने की तैयारी कर रहे हैं। और इस साइड अभी आग वगैरह जली हुई है। और अभी आपको मैं टाइम दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन कर 12 बजने लगे हैं, 11:54 हो चुके हैं। तो भैयों क्या एक्सपीरियंस है सर्वाइवल नाइट का अपना, बताओ कुछ। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है, हमने इंस्टीट्यूट में आके मतलब अच्छा किया है, मतलब ना यहाँ आके आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ये रियल सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइवल नाइट का एक्सपीरियंस कैसा है अपना चला हुआ? बहुत अच्छा है हमारा ना, अच्छा लग रहा है। ठंड मतलब पीछे आए थे तो थोड़ा लग रहा था कि डर लग रहा था, बट अब बाइक चारों सब बैठ गया तो ऐसा। जंगली जानवर वगैरह भी हमने कोई ऐसा नहीं है, एकदम हमारा आग जली हुई है और सर्वाइवल नाइट काफी सही जा रही है हमारी। ठंड वगैरह तो है बट चलो सभी इकट्ठे हैं, बातें बूते कर रहे हैं, टाइम का कोई पता नहीं चल रहा है। तो अभी देखते हैं कब तक हम जागते हैं और फिर बाकी कुछ तो देख सकते हैं। इस साइड सो चुके हैं हमारे भाई और हमारा सीनियर तो वहाँ पेड़ के नीचे पहले ही जाके आपको दिखा चुका हूँ, पहले ही वो सो चुका है वो सीनियर सिटीजन। और बाकी हम सभी अभी यहाँ पे बैठ के आग को एंजॉय कर रहे हैं और बातें वगैरह कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना। तो देखते हैं आगे, अभी मिलता हूँ आपसे जल्दी। आप यहाँ पे देख सकते हो अपने मनोज भाई सो चुके हैं। हाँ वो नींद सो गया है, सोना दिया नींद लग गई है इसी सोने दो। रात के 12:30 बज चुके हैं और मनोज भाई अपने सो चुके हैं। देख सकते हो कहाँ पे सोए हैं, जंगल के बीचों बीच एकदम। और इस साइड अपने भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं। और इस साइड भी अपने भाई लोग सोए हैं, देखते हैं जरा। और उस साइड भी अपने भाई लोग हैं। अभी अपना भी स्लीपिंग बैग यहीं है तो भी थोड़ी देर में हम भी सो ही जाएंगे। नींद तो नहीं खराब होगी तेरी? नींद बेचारा सोया जगा दिया नींद से। चल भाई कोई नहीं, हम भी जाग ही रहे, तू भी जाग अभी। तो यार सर्वाइवल नाइट का एक्सपीरियंस काफ़ी अपना, यानी यार कभी कभी ये मौके मिलते हैं ऐसे सर्वाइवल नाइट अपने। ओस पड़ चुकी है और आप देख सकते हो यहाँ पे ओस भी बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हो यहाँ पे।
फ्रेंड्स, रात के 2:30 बज चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है अभी तो, और आग अपनी जली हुई है यहाँ पे, और अपने सारे माउंटेनर से अपने अपने स्लीपिंग बैग में जा चुके हैं अपने सारे सर्वाइवर। और बिकॉज़ मैं तो अभी सोया नहीं हूँ क्योंकि आग बहुत ज़रूरी है और हम सभी ओपन ही हैं, कैंप वगैरह तो कुछ है नहीं, ओनली स्लीपिंग बैग और मैट्रेस ही थी हमारे पास। तो क्योंकि ओपन एरिया में है, वाइल्ड में है इस टाइम, हम जंगल है ये, और चारों तरफ यानी घने जंगल हैं, पेड़ वगैरह ट्री वगैरह हैं, तो ऐसे में जंगली जानवरों के लिए हमें आग काफ़ी ज़रूरी है और किसी का जागना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं और अमन भाई जागे हुए हैं, तो आग जला के रखी हमने, लकड़ियाँ वगैरह कर रहे हैं अरेंज, और ताकि जंगली जानवर वगैरह दूर रहें और हम सभी सुबह सेफली अपने बेस कैंप वापस पहुँच सकें। और बाकी ठंड तो है ही, बिकॉज जहाँ पे देवदार के ट्रीज होते हैं वहाँ पे ठंड तो रहती है, और जंगली जानवर तो अभी तक इतने आए नहीं, बट थोड़े बहुत तो कुछ हलचल आसपास हो ही रही है, वो तो फील होगी, बट हमने आग जलाई तो हमको डरने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे सर्वाइवर्स हो चुके हैं, अमन भाई भी, और आग तो अब जलानी पड़ेगी। और ये मेरा स्लीपिंग बैग है, बाकी सारे अपने सर्वाइवर्स सो चुके हैं। भाई यार थोड़ा देखना पड़ेगा, आप सुबह के 3:30 बज चुके हैं और अभी मैं भी स्लीपिंग बैग में आ गया हूँ, और आग पीछे चली हुई है हमारे, और ठंड तो है ही है भाई, देख ही सकते हो आप। और इन यानी स्नो वाले एरिया में जहाँ पे देवदार के ट्री होते हैं, तो वहाँ पे जैसे लाइक जंगली जानवर भालू वगैरह काफ़ी रहते हैं यहाँ पे, और तेंदुआ वगैरह भी, और वो रात को यानी नीचे पानी वगैरह और खाने के लिए नीचे यानी जहाँ पे घर वगैरह होते हैं उसके नियर अबाउट आ जाते हैं वो रात के टाइम, और मॉर्निंग के टाइम वो वापस आते हैं। तो आग वगैरह काफ़ी ज़रूरी होती है जलाना ऐसे में सर्वाइव करने के लिए आपको, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ठीक है। और बाकी जब आप ऐसे में नाइट कैंप या कभी कैंपिंग में जाए तो नाइफ वगैरह और आग जलाने को कुछ ना कुछ, और अपने खाने पीने का और सोने का और कैंप तो ज़रूर रखें, बिकॉज अभी तो हमें सरप्राइज नाइट कैंपिंग मिली थी। और इस साइड देख सकते हो आप, मनोज भाई तो बुरे घोड़े बेच के सोए हैं कब से, ये सभी सो चुके हैं इस टाइम, तो चलो अच्छी जा रही है अपनी सर्वाइवल नाइट विद अवर सर्वाइवर माउंटेनर, जो भी सारे सो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे सुबह, थोड़ा टाइम बचा है, नींद तो आ नहीं रही है भाई, तो देखते हैं अभी। सुबह के 6 बज चुके हैं और हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अब हमें रिपोर्टिंग करनी है। और मेरे मोहित भाई, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, और मॉर्निंग में मैं 2-3 घंटे सो लिया, और आग भी अभी अपनी
हो चुकी है यानी ऑलमोस्ट, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है तो हमको जाते टाइम सब कुछ क्लोज करके जाना पड़ेगा, गैरेज भी जाके जानी पड़ेगी ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो पीछे से। और बाकी हमारी सर्वाइवल नाइट काफ़ी सही गई और काफ़ी कुछ सीखा भी नया और कैसे सर्वाइव करते उस बारे में भी कुछ नई चीज़ें भी सीखी। तो फिर लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।